आज हम देखेंगे कि एसपी लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए एएसपी लाइन है स्प्लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल रेक्टेंगल से हम फोटो फ्रेम बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया और इसी में एडिट में जाके इस रेक्टेंगल को एडिटेबल स्प्लाइन मैंने बना दिया। एडिट में विंडो में जाके फिर इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें वर्टेक्स स्प्लाइन वगैरह है। वर्टेक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे फिलेट कमांड है, आप इसको फिलेट करके ऐसा गोल बना सकते हो। कॉर्नर्स को हमने गोल बना दिया, उसके बाद मुझे इसको इसके बाद मुझे फिलेट ऑफ करना है। इसके बाद स्प्लाइन स्प्लाइन को मैंने सेलेक्ट करके मुझे आउटलाइन करना है। आउटलाइन मतलब इसका कॉपी बनाएंगे, आउटलाइन को इस तरीके से मैंने आउटलाइन कर दिया। आउटलाइन को भी मैंने ऑफ कर दिया। तो ये पहला और दूसरा जो कंपोनेंट है ये दो कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो इसको मुझे यहाँ पे फ्रेम बनानी है इस एरिया में ताकि फ़ोटो वगैरह कुछ नाम लिखा जा सके। तो इसी का अगर मैं फिर से एक रेक्टेंगल डालना चाहता हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड में ऐसे रेक्टेंगल बनाया, इसको फिर इससे एडजस्ट करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई, तो मैंने कंट्रोल जेड दबा के उसको फिर से निकाल दिया। ऐसा ना करते हुए ये जो बीच का रेक्टेंगल टू है, रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल टू, तो इसमें आपको एडिट में जाके स्प्लाइन सेलेक्ट करनी है। अंदर वाली स्प्लाइन सेलेक्ट करी और अंदर वाली स्प्लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको हम डिटैच करेंगे, सेपरेट करेंगे। डिटैच कमांड यहाँ पे है। डिटैच करते समय हम डिटैच करके हमें कॉपी भी करना है उसका, तो कॉपी पे क्लिक कर दीजिए और डिटैच पे क्लिक करो। उसको नाम दो आप बैकग्राउंड, और आप इसको डिटैच नाम दे सकते हो, डिटैच। ये देने के बाद सीन एक्सप्लोरर में जाके डिटैच पे क्लिक कीजिए, सिर्फ वही आइटम सिलेक्ट होगा। सिर्फ इस डिटैच को कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अभी हम अल डब्ल्यू दबा के जाके देखते हैं, तो सिर्फ ये जो है एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया, तो एक तरीके से हमें बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अभी इसको पूरा देखने के लिए सीन विंडो में सीन एक्सप्लोरर में जाके आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रेंडरिंग में क्लिक करके इनेबल व्यूपोर्ट इनेबल इन रेंडर अल डब्ल्यू दबा के मैंने यहाँ पे देखा, और इसमें इनेबल करने के बाद मैं इसका जो थिकनेस है इसको थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं। मैंने जूम करके देख लिया, इस तरीके से आप इसको इसके थिकनेस को बढ़ा सकते हो। ये बड़ा फ्रेम लग रहा है अभी एक तरीके से। अल डब्ल्यू दबा के मैंने फ्रंट व्यू में चला गया। इस फ्रेम को मान लो हमने सेलेक्ट किया और पूरी फ्रेम को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसको भी डिटैच को भी हम सेलेक्ट करके इसमें फिट कर देते हैं। अल डब्ल्यू दबा के मैंने फिर से फ्रेम को देखा, अल्ट और मिडल माउस बटन यूज़ करके मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। अल्ट डब्ल्यू
इसके बाद लेफ़्ट व्यू में आके मुझे देखना है जूम करके कि इसके ऊपर हम स्पायरल बनाएंगे। मैंने एल डब्ल्यू दबा के लेफ़्ट फ्रेम को सिलेक्ट किया। इस फ्रेम पे हमें हेलिक्स बनाना है तो मैंने हेलिक्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके मैंने छोड़ा और फिर से मैंने ऐसा थोड़ा सा ऊपर करके इसको क्लिक करके फिर ऐसा नीचे करके एक बार फिर क्लिक किया। तो इस तरीके से अल्ट डब्ल्यू में जाके मैं इसको देख सकता हूँ। जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसको जो हेलिक्स के पैरामीटर्स में एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि इसका रेडियस मैं बढ़ा सकता हूँ। हेलिक्स का हेलिक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसका रेडियस मैंने बढ़ाया। आप इसमें जाके देख सकते हो पैरामीटर्स। हेलिक्स को एडिटेबल पॉली में मैंने कन्वर्ट किया। पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके हमें इसके ऊपर अभी हेलिक्स को लगाना है। तो हमने यहाँ पे जाके हेलिक्स को सिलेक्ट किया, शेप्स में जाके, क्रिएट में जाके, फिर स्प्लाइंस में हेलिक्स, इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। फिर से इस तरफ घुमा के फिर से एक बार क्लिक करके मैंने इस तरीके से एडजस्ट करके फिर से एक बार लेफ़्ट क्लिक किया। तो इस तरीके से ये हेलिक्स तैयार हो गया। अल डब्ल्यू दबा के आप यहाँ पे देख सकते हो इस विंडो में, अल डब्ल्यू दबा के इसमें मैं थिकनेस तो एडजस्ट कर सकता हूँ इसका। इसे मैंने रेंडरिंग को ऑफ कर दिया। रेडियल रेक्टेंगुलर हेलिक्स वन, हेलिक्स टू, क्या यार मैं हम अभी इसके ऊपर फोटो फ्रेम के लिए हम हेलिक्स बनाएंगे। तो आप इसको लेफ्ट व्यू में क्लिक करके व्यूपोर्ट पे क्लिक करके अल्ट डब्ल्यू दबाइए, उसको बड़ा हो जाएगा ये व्यूपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सारा आएगा। और जब आप क्रिएट में जाएंगे यहाँ पे हेलिक्स पे क्लिक करेंगे, हेलिक्स को क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक से ऐसा बड़ा कीजिए, फिर इसको इस तरफ से ऊपर रेडियस की तरफ घुमा के फिर से एक बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए और फिर से नीचे ऐसा क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक कीजिए। तो अल डब्ल्यू दबा के आप देख लो यहाँ पे जैसे ये तैयार हो गया है हेलिक्स। और आपको हेलिक्स से बाहर आना है तो इसलिए आपको मैंने बताया क्लच और गियर मतलब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में जाता हूँ। और जैसे कि मुझे हेलिक्स का रेडियस बदलनी है तो मैं इसको इस तरीके से रेडियस बदल सकता हूँ। क्रिटिकल है कि हेलिक्स को ऑफ करके आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसका रेडियस आप कम ज़्यादा करो। और टर्न्स उसके आप बढ़ा सकते हो कितने टर्न्स, अगर टर्न्स मान लो ऐसे ही रखने हैं आपको बायस
बायस को छेड़िए मत, बायस 0 ही ठीक है। टर्म्स को जैसे कि मैं 1 रखता हूँ, और इसका जो है बाकी पैरामीटर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप बना सकते हो, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, थ्रेशोल्ड, ऑटो स्मूथ जो था पहले वो ठीक है। मैंने इसको अभी जैसे साइड में देख लेता हूँ, इसको अल्ट और मिडल माउस दबा के इस तरीके से मैंने इसको देखा, ये इसको ठीक प्लेसमेंट करना ज़रूरी है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे थिकनेस को मैंने जैसे और एडजस्ट किया, छोटा पतला किया, और साइड्स 12 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल उसके बाद आप नीचे जब जाएंगे, रेडियल रखा हुआ है, रेडियस मुझे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको फिट होगी उस तरीके से। जैसे अल डब्ल्यू दबा के मैंने इस सीन में चला गया, यहाँ पर मैंने मूव टूल को इस्तेमाल किया और इसको ऐसे मूव करता हूँ, अल डब्ल्यू दबा के मैंने टॉप व्यू में भी देखा बड़ा करके, इस तरीके से इसको मुझे रेडियस को, रेडियस 2 जो है उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लो 5 रखा है, 5 यहाँ भी 5 रखा हुआ है, और इसका हाइट इस तरीके से मैंने बढ़ाया, ये हाइट है। टर्न्स को मैंने बढ़ा दिए, ज़्यादा टर्न्स कर दिए, और इसकी इस तरीके से हाइट भी मैंने बढ़ाई। अब इस तरीके से इसको फिर सेलेक्ट करके और यहाँ पे नीचे जाके इसके आप हाइट बढ़ा दीजिए, जैसे इसको आप मूवमेंट को टूल को इस्तेमाल करके इसको एक तरफ शिफ्ट कर लिया और इसका मैंने हाइट बढ़ा दिया, ठीक है। हाइट बढ़ाने के बाद टर्न्स भी मैंने बढ़ा दिए, ज़्यादा टर्न्स सेम। अब मैं अल्ट डब्ल्यू दबा के यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रेडियस है उसका, तो रेडियस को मैं कम कर देता हूँ, ठीक नहीं दिख रहा है। रेडियस जैसे कि मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे भी दूसरा भी रेडियस मैंने 2 कर दिया, तो अभी थोड़ा सा ये डिसेंट लगने लगा है। इसका साइड व्यू में भी आप जाके देख सकते हो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे तो आप रेडियस को फिर से बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने 2.5 कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 2.5 दूसरा रेडियस किया। 2 रेडियस का मतलब है ये रेडियस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला रेडियस 2 है, दूसरा रेडियस 5 अगर करता हूँ तो इस तरफ ये बड़ा हो जाएगा, इस तरफ ये छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमको 2.5 रेडियस, दोनों रेडियस सेम रखने हैं। हाइट जो है बहुत ज़्यादा है तो इसको मैंने फिर से सेलेक्ट करके उसका हाइट में एडजस्ट कर देता हूँ। हाइट मुझे कम करनी है, या अब थोड़ा सा डिसेंट लगेगा, और डब्ल्यू दबा के मैं फिर अल डब्ल्यू दबा के इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ सेंटर में, इसको मैं सेंटर में शिफ्ट कर दिया, अल डब्ल्यू दबा के मैं इस व्यू में आ गया। फिर भी थोड़ा नीचे लग रहा है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम अलग अलग व्यूज़ में जाके देखते हैं। यहाँ पे फ्रंट व्यू में मैं जाके देखा तो मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इस तरीके से। इसको हम अलग कलर दे देते इस कंपोनेंट को,
यहाँ पे जैसे मैंने गोल्डन येलो कलर दे दिया, इसको मैंने गोल्डन कलर दे दिया। फिर इसी फ्रंट व्यू में मुझे इसको कॉपी करके, जैसे मैंने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के वाई एक्सिस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, उसको कॉपी बोला, ओके। तो ये कॉपी हो गया। अभी इसी कंपोनेंट को मैं सिलेक्ट करके एक रोटेट कमांड देता हूँ, सेलेक्ट एंड रोटेट। इसको हम पहले कॉपी बना लेंगे, सेलेक्ट तो किया हुआ है। फिर मैंने शिफ्ट दबाया, मूव टूल को इस्तेमाल कीजिए, मूव टूल क्लिक करके फिर शिफ्ट दबाइए, एक कॉपी तैयार हो गई, उसको ओके करिए। फिर इस कंपोनेंट को हम रोटेट करेंगे। फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं 90 डिग्री में रोटेट होने के लिए सबसे पहले तो आप इसको अंडू कर दीजिए, और जो एंगल स्नैप टॉगल को क्लिक करने के बाद आप इसको 90 डिग्री यहाँ पे देख के उस टूल से बाहर आ जाइए, सिलेक्ट पे फिर से क्लिक कर दीजिए ताकि आप अपने आप बाहर आ जाओगे। फिर इसके बाद आपको एक्चुअली मूवमेंट करना है तो इसको इस तरीके से आप मूव कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको मूव कर दिया, मूव करने के बाद इसको मैंने एडजस्ट किया बराबर, इसको मैंने मूव किया। हमारा ये कंपोनेंट भी जो है इसको भी एग्जैक्टली मूव करना ज़रूरी है। डिटैच्ड जो था शीट उसको परफेक्टली सेट कर दिया यहाँ पर, या फिर एक्यूरेट एडजस्ट करने के लिए आप पूरे इसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके एडिटेबल में एनेबल को इसको कर दीजिए, निकाल दीजिए। इसको यहाँ पे हाइट को बढ़ाइए, हाइट को बढ़ाने का ज़रूरत है यहाँ तक, ठीक है हाइट ये हो गया। अब फिर से इसको हम मूव टूल को एक्टिवेट रखना है, शिफ्ट दबा की दबा के लेफ्ट क्लिक से इसको फिर मैंने कॉपी किया, ओके कर दिया। तो ये ऐसे मेरे चार कॉपीज होगी। मैंने फिर से पूरा इसको सिलेक्ट करके स्प्लाइन को इनेबल व्यू पोर्ट करके इस तरीके से मैंने किया। ये मेरा फ्रंट व्यू ही होना चाहिए। फ्रंट व्यू में जाके आप रेंडर में देख सकते हो, रेंडर विंडो में आप एक तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड को सिलेक्ट कीजिए, स्कैन लाइन रीडर रखिए, रेंडरिंग में जाके आपको एनवायरनमेंट्स को भी चेक करना है। एनवायरनमेंट जो है आपका नो एक्सपोजर कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद आप इसको क्लिक कीजिए प्रोडक्शन रेंडरिंग। तो इस तरीके से आपको दिखा दिया। अल्ट आप फिर अल्ट डब्ल्यू दबा के इस पे चले जाइए यहाँ पे, और झेड दबाने के बाद पूरा इसको सही तरीके से आप इस तरह से अल्ट और मिडल माउस दबा के आप देख सकते हो फ्रेम को। अभी इस पे जो पर्सपेक्टिव व्यू है इसी में मैं इस प्लेन को सिलेक्ट किया, एडिटेबल पॉली को, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट तो टेक्स्ट के लिए मैं ऑटो ग्रिड ऑन करना ज़रूरी है मुझे।
टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं ऑटो ग्रिड क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट इसी के ऊपर पड़ेगा। तो ये आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है। मैंने टेक्स्ट के बाद सिलेक्ट टूल को इस्तेमाल किया, ये डबल टेक्स्ट हुआ था उसको मैंने डिलीट कर दिया, ये पहले वाला टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, अभी उसको हम रिसाइज करेंगे, स्केल छोटा कर देंगे इसको। ये एक तरीका है, या फिर उसको आप सिलेक्ट टूल पे क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट में चले जाइए, आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की साइज इस तरीके से छोटी बड़ी कर सकते हो। तो इस टेक्स्ट को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, एडिट में हम चले गए, टेक्स्ट को आपने एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो ठीक ढंग से दिखे, मान लो गोल्डन कलर है। टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया या फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे पॉलीगॉन गलत है, आप इसको अंडू कर दीजिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, टेक्स्ट टेक्स्ट को ही आपको सिलेक्ट करना है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर मुझे अभी इसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, तो मैं क्रिएट में चला जाऊंगा, यहाँ पे आपको स्प्लाइंस में यहाँ पे स्प्लाइंस में टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ऑटो ग्रेड मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा है क्योंकि मुझे इस सरफेस पे टेक्स्ट को लिखना है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। आप इसमें जाके इसमें अपना टेक्स्ट टाइप करिए, जैसे मैंने DBS टाइप किया, और इसको मुझे रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए उसका थिकनेस, साइड्स और उसका साइज़ ये जो है मैंने छोटा कर दिया, इस तरीके से फिट होगा। और इस टेक्स्ट को मुझे टेक्स्ट को मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ करने के लिए जैसे मैंने सिलेक्ट टूल, फिर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट मेरा सिलेक्टेड है, डिटैच्ड सिलेक्टेड है। इस तरीके से आप इस विंडो में चेक कर सकते हो क्या सिलेक्टेड है। टेक्स्ट 001 का कलर, जैसे कि मैं एक गोल्डन कलर कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने, आप देख सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट को एडिट में जाके टेक्स्ट को इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट 001, इसका कलर मैंने मान लो येलो कर दिया। उसके बाद इस टेक्स्ट को मॉडिफायर लिस्ट में जाके एक्सट्रूडर क्लिक कीजिए, एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड का इफेक्ट देखने के लिए मुझे थोड़ा सा एंगल में देखना पड़ेगा, अल्ट और मिडल माउस दबा के, फिर
फिर मैंने अमाउंट एक्सट्रूड की इस तरीके से बढ़ा दी, और इसको फिर मैंने मूव टूल के ऊपर क्लिक करके इसको ऐसे एडजस्ट किया। इस तरीके से मैं अगर W दबा के और ये फ्रेम को हम देख सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को एक्सट्रूड तो किया हुआ है, टेक्स्ट को अगर हम एज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं एक ऑपरेशन, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हमने किया, फिर इसके ऊपर पॉलीगॉन को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर वाला पॉलीगॉन कंट्रोल दबा के मैंने फिर से ऊपर का पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल दबा के ऊपर का सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे इसको, इंसर्ट ये वैल्यू इसकी ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ इंसर्ट को, थोड़ा इंसर्ट ठीक है, इस तरीके से हो गया, मैंने ओके कर दिया। फिर इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा, और एक्सट्रूड की वैल्यू इस तरीके से मैंने एडजस्ट करी है, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में भी इफ़ेक्ट्स तैयार कर सकते हो। ऊपर के पॉलीगॉन्स को फिर से सेलेक्ट करके इस तरीके से फोटो फ्रेम आप बना सकते हो।